हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दीक्षांत एडुटेक। आई एम ज्योति और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी सब्जेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ओके, हिंदी। और हिंदी में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिना मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्द। बिना मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्द जिनमें कोई मात्रा नहीं होगी और उनमें तीन अक्षर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिना मात्रा के तीन वर्ण वाले शब्द या फिर तीन अक्षर वाले शब्द, इनमें तीन अक्षर होंगे जिनमें कोई मात्रा नहीं होगी। यहां देखिए, हम लोग आज करने वाले हैं तीन वर्ण वाले शब्द यानी तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द कैसे बनते हैं? तीन अक्षर वाले शब्दों में तीन अक्षर होते हैं जिन्हें जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या चीज का पिक्चर दिख रहा है? ये चित्र क्या चीज का है? ये कलश है। क्या है? कलश। अब कलश जो है, इस शब्द को हम लोग कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे? तो कलश जब हम लोग शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? क, क, ल, श, क, ल, श। अब इसको थोड़ा तेज बोलना है, कलश। यहां हो गया ये हमारा शब्द कलश। तो जब हम लोग अक्षरों को जोड़ते हैं तो उनसे क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। और हम लोगों ने यहां तीन अक्षरों को जोड़ा, क, ल, श, कलश, कलश। ठीक है, यहां देखिए, यहां भी हम लोग तीन वर्ण वाले शब्द जो है उन्हें पहले चित्र देख लेते हैं और फिर उसको हम लोग जोड़ करके शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज का चित्र है? इस फूल को क्या कहा जाता है? इस फूल का क्या नाम है? कमल। क्या है ये? कमल। कमल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। अब कमल जो फूल है उसका हम लोग कैसे नाम को कैसे लिखेंगे या कैसे उसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो जब कमल शब्द हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से कौन सा अक्षर निकल रहा है? क, 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 म, म, ल, क, म, ल, क, म, ल, क जोड़ म जोड़ ल, कमल, कमल, क, म, ल, क, म, ल, कमल। यहां पर ये है मगर। क्या है? मगर। ये मगर का चित्र है। तो मगर जब शब्द हम लोग बोल रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा अक्षर निकल रहा है? म, म, ग, र, म, ग, र, म, ग, र, मगर, मगर। ये हो गया हमारा मगर। म, ग, र, मगर। और इन शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं है। यहां कुछ और भी शब्द हैं जो तीन अक्षर वाले हैं, उन्हें भी हम लोग जोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन वर्ण वाले शब्द हैं और इन्हें भी हम क्या करेंगे?
जोड़ेंगे और फिर जो शब्द बनेगा उसे पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा अक्षर है? ह। ह जोड़ व। ह व जोड़ न। ह व न। ह व न। थोड़ा तेज बोलेंगे, हवन हवन। पूजा करते हैं तो आग में जब हम लोग कुछ डालते हैं और मंत्र होता है तो वो क्या कहलाता है? हवन। तो हवन शब्द कैसे बना? ह व और न अक्षर को जोड़कर बना हवन। दूसरा है प जोड़ व जोड़ न। प व न। प व न। पवन पवन। प व न पवन। पवन का मतलब क्या होता है? पवन मीन्स हवा। दूसरा है श जोड़ ह जोड़ द। श ह द। श ह द शहद। श ह द शहद। दूसरा है स जोड़ र जोड़ ल। स र ल। स र ल। अब थोड़ा तेज बोलेंगे, सरल सरल। सरल का मतलब क्या होता है? आसान। फ जोड़ स जोड़ र ल। फ स ल। फ स ल। फसल फसल। ठीक है, ये हो गया फसल। हवन हवन। पवन पवन। शहद शहद। सरल सरल। फसल फसल। ठीक है, तो इसी तरह से अक्षरों को जोड़ना है और फिर थोड़ा तेज बोलना है, उससे क्या होगा वो शब्द हम बोल पाएंगे, है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले चित्र देखेंगे और उसके जो शब्द हैं वहाँ लिखे हुए हैं तो हम लोग वैसे ही जोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षरों को जोड़ेंगे और फिर वो क्या होगा उसका शब्द आ जाएगा। ठीक है, चित्र देखकर पढ़ें। तो पहला चित्र क्या है? कलश। ये किस चीज का चित्र है? ये है कलश। अब कलश शब्द हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे उसे पढ़ेंगे? क ल श। क ल श कलश। क ल श कलश। ठीक है, ये हो गया कलश। दूसरा चित्र ये है मगर। क्या है? मगर। अब मगर शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? म ग र। म ग र मगर मगर। अब यहां पर जो चित्र है इसमें जो ये जो पट्टी है वो क्या है? वो है रबड़। क्या है? रबड़। अब रबड़ शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? र ब ळ। र ब ळ रबड़ रबड़। दूसरा है ये है जिस पे आप गाड़ी में जाते हो, तो किस पे कहाँ जाते हो? इस तरह का ब्लैक ब्लैक रहता है, क्या कहलाता है वो? सड़क। क्या कहलाता है?
सड़क। अब सड़क शब्द को कैसे हम लोग पढ़ेंगे? स ड क, स ड क, सड़क, सड़क। और ये है घर। घर, घर को और क्या कहते हैं? भवन। क्या कहते हैं? भवन। तो भवन शब्द कैसे हम लोग पढ़ेंगे? भ व न, भ व न, भवन, भवन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलश, मगर, रबड़, सड़क, भवन। यहां भी कुछ चित्र हैं और उनके शब्द लिखे हुए हैं, हम लोग उसे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला जो चित्र है ये है कमल। क्या है? कमल। क म ल, क म ल, कमल, कमल। दूसरा चित्र क्या है? ये है महल। क्या है? महल। महल शब्द कैसे पढ़ेंगे? म ह ल, म ह ल, महल, महल। ठीक है, ये चित्र है शहद। क्या है ये? शहद। अब शहद शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? श ह द, श ह द, शहद, शहद। दूसरा चित्र है कलश। क्या है वो? कलश। अब कलश शब्द को कैसे पढ़ना है? क ल श, क ल श, कलश, कलश। ये है, ये किस चीज का चित्र है? ये है मटर। पहचान रहे हो ना? मटर, दाने दाने होते हैं मटर। अब मटर शब्द को कैसे पढ़ेंगे? म ट र, म ट र, मटर, मटर। ये है, ये क्या है? पेन है। पेन को और क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? कलम। क्या बोलते हैं? कलम। कलम शब्द कैसे लिखेंगे? क ल म, क ल म, कलम, कलम। कलम मीन्स पेन। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा ना कैसे हम लोग शब्दों को जोड़ जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो अभी ये सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें उनका अभ्यास करना है, उसे पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी तीन वर्ण वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन वर्ण वाले सारे शब्द हैं, हम लोग को उन अक्षरों को जोड़ना है और जोड़ करके शब्द को बोलना है। कैसे करना है? अ म न, अ म न, अमन, अमन। दूसरा है च म न, च म न, चमन, चमन। द म न, द म न,
दमन, दमन, न म न, न म न, नमन, नमन, र म न, र म न, ये बन गया कौन सा शब्द? रमन। ओके, अब यहां पर देखते हैं, यहां है क र म, क र म, करम, करम, ग र म, ग र म, गरम, गरम। दूसरा है न र म, न र म, नरम, नरम, ध र म, ध र म, धरम, धरम, श र म, श र म, शरम, शरम। अब इस लाइन को हम लोग रीड करते हैं, ब ह न, बहन, बहन, प ह न, प ह न, पहन, पहन, स ह न, स ह न, सहन, सहन, ब द न, बदन, म द न, म द न, मदन, मदन। ठीक है, तो इसी तरह से अक्षरों को जोड़ते हैं और फिर थोड़ा तेज उनको मिला करके हम लोग बोलते हैं तो वो शब्द हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्या है, ये है तीन अक्षर वाले शब्द। तो तीन अक्षर वाले शब्दों को अभी हम लोगों ने जोड़ जोड़ करके पढ़ा है ना, तो अब क्या है, तीन अक्षर वाले जो शब्द हैं उनसे बने हुए कुछ वाक्य भी होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका अभ्यास करते हैं हम लोग, यहाँ पर तीन वर्ण वाले शब्द के वाक्य। यहाँ पर कुछ दो वर्ण वाले भी हैं तो वाक्य बनाने में उन दोनों को मिला करके बना है। यहाँ पर तीन अक्षर वाले भी हैं और दो अक्षर वाले भी हैं, तो इसे हम लोग, इन वाक्यों को हम लोग पहले पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अ म न, अ म न, क्या हो गया? अमन, अमन, श ह द, श ह द, शहद, शहद, च ख, च ख, चख। अब इस इन तीनों शब्दों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो ये हमारा वाक्य बनेगा। कैसे बनेगा? ये था अमन, शहद, चख, अमन, शहद, चख। ठीक है, तो ये पहला वाक्य हुआ। दूसरा, श ह द, श ह द, शहद, रख, रख, कर, कर, कमल, पकड़, पकड़। ठीक है, तो ये है, ये दूसरा वाक्य है, इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? शहद, रख, कर, कमल, पकड़।
शहद रख कर कमल पकड़। ओके, अब ये दूसरा हम लोग लाइन रीड करते हैं। र म न, र म न, रमन, अब, बतख बतख, पकड़ पकड़, रमन, अब, बतख पकड़, रमन अब बतख पकड़, रमन अब बतख पकड़। मदन मदन, नरम नरम, गरम गरम, मटर मटर, चख चख। ठीक है, तो मदन नरम गरम, मटर चख, नरम मदन नरम गरम मटर चख, मदन नरम गरम मटर चख। तो ये क्या है, ये है वाक्य। ठीक है, इनको पढ़ने से कुछ पता भी चल रहा है ना, जैसे अमन शहद चख, अमन शहद चख, शहद रख कर कमल पकड़, शहद रख कर कमल पकड़, रमन अब बतख पकड़, रमन अब बतख पकड़, मदन मदन नरम गरम मटर चख। तो ये क्या है, ये सारे वाक्य हैं। ठीक है, वाक्य हैं, इनमें तीन अक्षर वाले शब्दों के ये वाक्य हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा अभ्यास करते हैं, शब्दों को बनाते हैं। शब्दों को कैसे बनाना है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, अब उन शब्दों को जोड़ करके लिखना है, जोड़ करके अक्षरों को हमें शब्द बनाना है। ठीक है, तो तीन वर्ण वाले शब्द का अभ्यास करना है, ये शब्द कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर वो सारे अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो पहला क्या है, ये म, यहां लिखते हैं म, ये है ट ट, और ये क क, ये बन गया हमारा शब्द म ट क मटक। दूसरा है च, यहां लिखना है च, ये है ट, ये लिखते हैं हम लोग ट, फिर यहां पर है क क, ये शब्द बन गया च ट क चटक। ये है ल, यहां लिखना है ल, ये है ट ट, और ये है क क, ये कौन सा शब्द बन गया, लटक लटक। ये है ब ब, ये है ट ट, और ये है न न, ये शब्द बन गया हमारा बटन बटन। ये है क क, ये है म म, और ये है र र, और ये कौन सा शब्द बना, कमर कमर। ये है अ अ, और ये है म म, और ये है र र,
ये शब्द बन गया अमर, अमर। ये है क, क। ये है र, र। और ये है न, न। करण, करण। ये है फ, फ। स, स। और ये है ल, ल। ये कौन सा शब्द बना? फसल, फसल। ये है ऊ, ऊ। ल, ल। ट, ट। उलट, उलट। उलट, उलट। ये है ख, ख। ये है न, न। और ये है न, न। ये कौन सा शब्द बना? खनन, खनन। खनन, खनन। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग और भी शब्द को बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग तीन वर्ण वाले शब्द का, और भी बहुत सारे शब्द हैं, उनका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर पहला है ज, ग, और ये है न। ये कौन सा शब्द बना? जगन, जगन। ये है क, क। न, न। क, क। कनक, कनक। प, प। ट, ट। क, पटक, पटक। प, प, क, क, ड, ड। ये शब्द बना हमारा पकड़, पकड़। प, प, ल, ल, ट, ट। ये हमारा शब्द बन गया पलट, पलट। स, स। र, र। स, स। सरस, सरस। ज, ज। त, त। न, न। जतन, जतन। र, र, म, म, न, न। रमन, रमन। तो हम लोगों ने शब्दों को जोड़कर लिखा। अब क्या करते हैं, हम लोग खाली जगह को भरना है। कैसे भरना है? चित्र देखेंगे और जो अक्षर उसमें और लिखना है वो हम लिखेंगे, ठीक है? तो खाली जगह को भरकर शब्द को हम लोग क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो पहला चित्र क्या है? ये कमल, कमल, कमल। तो यहाँ क लिखा हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे? म, ल। ये बन गया हमारा कमल, कमल। दूसरा ये है चित्र, खाने में डालते हैं हम लोग, टेस्ट होता है हमारा, तब हमें टेस्ट पता चलता है। सफेद, यस। नमक, नमक, नमक। नमक। ये क्या है? शहद, शहद। श, ह,
द, शहद, शहद। ये क्या है? कलम। क्या है? कलम। क ल म, कलम, कलम। ये है महल। क्या है? महल। म ह ल, महल, महल। ये है कमर। कमर, कमर। ये चित्र है मटर। क्या है? मटर। म ट र, मटर, मटर। ये किसका चित्र है? ये है बटन। क्या है? बटन। बटन, बटन, बटन। अब ये है, ये तो घड़ी है, लेकिन घड़ी क्या बताती है? समय। स म य, समय। ठीक है, तो चित्र देखेंगे तो हमें उसका शब्द पता चलेगा और इस तरह से खाली जगह को भरेंगे। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और उनके शब्द भी दिए हैं, लेकिन शब्द जो है आगे पीछे हैं। हम लोगों को क्या करना है? शब्द को सही करना है। ठीक है, तो चित्र देखकर शब्द सही करें। हम लोग चित्र देखेंगे तो हमें चित्र में क्या दिख रहा है? ये सड़क। तो यहाँ पर सकड़ लिखा हुआ है, हम लोग इसे सही लिखेंगे स ड क, सड़क, सड़क। ये है कलश। क ल श, कलश। ये चित्र है मटर। म ट र, मटर। ठीक है, और यहाँ पर चित्र क्या चीज का है? हवन। क्या है? हवन। ह व न, हवन। ये क्या है? नहर। नहर, न ह र, नहर। और ये है बतख। क्या है? बतख। ब त ख, बतख। सो आज हमारा ये तीन अक्षर वाला जो शब्द है ये पूरा हो गया। इनमें हम लोगों ने शब्दों को जोड़ करके लिखना, पढ़ना, शब्द कहाँ खाली जगह है, कहाँ क्या हमें भरना है, वो चित्र देख करके भरना सीखा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।